हर कोई चाहता है कि सब उन्हें पसंद करें, किसी भी ग्रुप में वो स्टैंड आउट करें, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एफर्टलेसली ज़्यादा लाइकेबल होते हैं। हम सभी चाहते हैं कि लोग जब हमारे बारे में सोचें तो हमारी एक पॉजिटिव इमेज उनके माइंड में आए, पर इसके लिए ज़रूरी है कि पहले से वो हमारी पॉजिटिव इमेज को परसीव करें। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी ज़्यादा लाइकेबल बनाना चाहते हो तो कुछ एसेंशियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके अंदर होने ज़रूरी होते हैं। इन्हीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि लाइकेबल होना एक ऐसी क्वालिटी है जो बाय बर्थ इंसान में होती है और इसको हम एक्वायर नहीं कर सकते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी पर्सनैलिटी ईजिली लाइकेबल बना सकते हैं अगर हम ये समझ पाएं कि व्हाट मेक्स पीपल लाइक अस और दूसरों से इंटरेक्शन करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इन्हीं एसेंशियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डोंट डोमिनेट द कन्वर्सेशन। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो, आपके पास बहुत कुछ है बात करने को, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो आप ग्रुप में, लेकिन कोई भी ग्रुप कन्वर्सेशन या इंटरेक्शन तभी अच्छा माना जाता है जब आप दूसरों को भी इक्वली बोलने का टाइम देते हो। सिर्फ अपनी बातें बोलते जाना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना आपकी कन्वर्सेशन को तो डेफिनेटली बोरिंग बनाता ही है, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी एक अनरिजर्व्ड और आउटस्पोकन इंसान की बन जाती है, जिस वजह से लोग आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो किसी भी कन्वर्सेशन में ध्यान रखना है सामने वाले इंसान को भी प्रॉपर स्टेज टाइम मिल सके, आपकी बातें कॉमन इंटरेस्ट वाली हों और लिमिटेड रहनी चाहिए। अगर आप सिर्फ अपनी बातें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो सकता है एट द टाइम आपको लगे कि सब लोग आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपके साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होने से बचने लगते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब बना देता है। सेकेंड ट्रेड है बी फुली प्रेजेंट। अगर आप किसी इंसान को अपना पॉजिटिव इंप्रेशन देना चाहते हो, कन्वर्सेशन में फुली प्रेजेंट रहना सबसे ज़रूरी है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। बहुत कॉमन सी बात है, कभी आपने भी फील किया होगा, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, बीच कन्वर्सेशन में वो टाइम देखने लगे या फिर मोबाइल चेक करने लगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बात करने की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये चीज़ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो अगर आप किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हुए हो तो मेक श्योर आप पूरी तरह से वहाँ प्रेजेंट रहें। अगर आप जल्दी में हैं, बात नहीं करना चाहते, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट ना करना ही बेहतर ऑप्शन है। जब आप कन्वर्सेशन में पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं, कुछ अच्छे सवाल करते हैं, एग्री करते हैं, पोलाइटली डिसएग्री करते हैं, ऐसे में लोग आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। थर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट है बी रिलायबल एंड बैलेंस्ड। आपको पता है मूडी, शॉर्ट टेम्पर्ड, रूड, ये सब लाइकेबल पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं। जो लोग अपने अनप्रिडिक्टेबल मूड और शॉर्ट टेम्पर के लिए जाने जाते हैं वो किसी के मोस्ट वैल्यूएबल या फिर मोस्ट लाइकेबल लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाते। इनफैक्ट सभी लोग उन्हें अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अप्रोच करने में कंफर्टेबल फील करें, आपके साथ बात शेयर करने में कंफर्टेबल फील करें, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिलायबल हो और इवन टेम्पर्ड के इंसान हो। गुस्सा होना, मूड स्विंग होना, ये नेचुरल चीज़ें। हो सकता है आपका दिन अच्छा ना रहा हो, ऐसे में ज़रूरी नहीं है ओवर रिएक्ट करना या फिर सब कुछ एक्सप्रेस कर देना किसी भी कन्वर्सेशन में। अगर आप गुस्से जैसा कुछ फील कर रहे हो तो इट्स बेटर टू जस्ट नॉट स्माइल एंड से नथिंग रैदर देन कन्वर्सेशन को ख़राब करना अपने गुस्से की वजह से। जब आप एंशियस या फिर स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो तब बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, खुद को एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा स्पेस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ पर्सनैलिटी ट्रेट है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हम सभी मिस्टेक्स करते हैं, एक क्रिमिनल से लेकर जज तक, एक टीचर से लेकर स्टूडेंट तक, हर कोई मिस्टेक करता है। बस फर्क इतना होता है कुछ लोग जेन्युइन होते हैं और अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी मोस्टली लोग अपनी मिस्टेक को इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते या फिर दूसरों पर डाल देते हैं। ऐसे लोग जो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। सभी लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सबसे अच्छा तरीका है अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और उसे ठीक करना, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि आप मिस्टेक कर रहे हो तब तक आप उसी मिस्टेक को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहते हो। लाइकेबल बनना है तो लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। फिफ्थ और लास्ट पर्सनैलिटी ट्रेट है स्टे नेचुरल अवॉइड फेक ऑरा। अपनी पर्सनैलिटी लाइकेबल बनाने के चांस को 100% खत्म करने का सबसे आसान तरीका होता है फेक पर्सोना। ज़्यादातर लोग टू नाइस टू गुड बनने के लिए अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देते हैं और एक फेक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं, और जब ये फेक इमेज बर्स्ट होती है, रियलिटी सामने आती है,
तब आपकी रियल पर्सनैलिटी की वैल्यू खत्म हो चुकी होती है। इसलिए डोंट फोर्स योरसेल्फ टू मच टू बिकम लाइकेबल, जस्ट स्टे नेचुरल। एसेंशियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स का ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान दीजिए कि आप खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जितना एफर्टलेसली आप बिहेव करते हो, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही ज्यादा नेचुरल लगती है, उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द साइकोलॉजी क्लासेस। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।